ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आचार्य चाणक्य की कही गई कुछ गूढ़ बातों को आपके समक्ष रखेंगे। अखंड भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आचार्य चाणक्य। आज से लगभग 2500 साल पहले कही गई उनकी बातें आज भी उतनी कारगर और मशहूर है। चाणक्य की गूढ़ बातें और नीति आज के समाज में उतनी ही उपयोगी है। उनकी ये गूढ़ बातें बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के लिए उपयोगी है। आचार्य चाणक्य की कही गई उनकी बातों को चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। दर्शक मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल घंटा दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज की वीडियो में हम आचार्य की गई कुछ गूढ़ बातों को यहाँ रख रहे हैं, जिसका पालन करने से हर व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। चाणक्य की नीति चाहे हमें कठोर लगे, लेकिन उसमें जीवन की सच्चाई छुपी हुई होती है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर स्त्री और पुरुष अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढने का प्रयास करते हैं। चाणक्य के अनुसार स्त्री को कैसा पुरुष पसंद है, कैसा गुण उसमें होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। महिलाएं पुरुषों में कुछ खास लक्षण होने पर उस पर फिदा हो जाती है। पुरुषों में कुछ खास ऐसे लक्षण होते हैं जिसको देखने पर महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। महिलाएं ऐसे पुरुषों को खूब पसंद करती है और अपने जीवन में शामिल करने के लिए लालायित रहती है। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में आदर्श पुरुष के कुछ गुण और लक्षण के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में कुशल हो, सामने वाली बातों को अच्छी तरह से सुन सके, समझ सके और साथ में प्रामाणिक हो, ऐसे व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है और ऐसे पुरुष को स्त्री खूब पसंद करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो पुरुष अपनी पत्नी और प्रेमिका के प्रति प्रामाणिक हो, वफादार हो और पराई स्त्री की तरफ खराब दृष्टि से न देखता हो, ऐसे पुरुषों की तरफ महिलाएं खूब आकर्षित होती है। ऐसे पुरुषों के साथ अच्छे संबंध रखने की महिलाएं हर संभव प्रयास करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति शांत हो, सरल हो, उसका स्वभाव सौम्य हो, ऐसे पुरुषों पर महिलाएं जल्दी से अपना दिल खो बैठती है। शांत और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति पर स्त्री खूब आकर्षित होती है। जिनकी भाषा सौम्य होती है और स्वभाव सरल होता है, ऐसे पुरुषों के प्रति महिलाएं फिदा हो जाती है। आचार्य के अनुसार महिलाएं सुंदरता से ज़्यादा व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व देती है। जीवन साथी को पसंद करने के लिए महिलाएं सुंदरता नहीं देखती, लेकिन मन को देख के आकर्षित होती है। जो व्यक्ति अपने कार्य में वफादार हो, मेहनती हो और सरल स्वभाव के हो, उन पर महिला ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। हर स्त्री की ऐसी इच्छा होती है कि अपनी बातों को सुनने वाला कोई हो, जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सके, उनकी बातों को सुने और समझ सके, ऐसे साथी को वो ज़्यादा पसंद करती है। ऐसे गुण आदर्श पुरुषों के गुण है जो सभी जगह पर सम्मान के पात्र है। ऐसी व्यक्ति महिलाओं में भी लोकप्रिय बन जाता है। जिस व्यक्ति की भाषा कठोर हो, अपनी मनमानी चलाता हो, ऐसे व्यक्ति को महिलाएं कभी पसंद नहीं करती। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की गई कुछ बातें हमने इस वीडियो में आपके समक्ष रखी है। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ।